प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस वर्सेस प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। सो प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस क्या होता है, ये इसको पहले क्या कहा जाता था, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस कहते थे, और ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कोलीस्टेटिक लिवर डिसीज़ है। क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कोलीस्टेटिक लिवर डिसीज़ है, बाइल स्टेसिस होगा इसमें, और वुमेंस जो 30 ईयर एज की उनको अफेक्ट करता है। इसमें एंटी माइट्रोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेगी, और साथ में कोलीस्टेटिक लिवर एंजाइम जो है उनके साथ कंबाइन रहेगा ये। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन ऑफ द पोर्टल ट्रैक्ट, पोर्टल ट्रैक्ट का ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन रहेगा, और जो स्मॉल और मिडिल साइज की बाइल डक्ट है वो लॉस होने लगेगी। प्रोग्रेसिव डैमेज एंड इवेंचुअली लॉस इन द स्मॉल एंड मीडियम साइज की बाइल डक्ट। सो ये है क्या, पहले जानो कि ये एक पहले इसको प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के नाम से जाना जाता था। इसमें क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कोलीस्टेटिक लिवर डिसीज़ है, 30 ईयर की फीमेल्स को ज़्यादा होता है, एंटी माइट्रोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज मिलती है, इसमें क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होता है पोर्टल ट्रैक में, और साथ में डैमेज हो जाएगी या फिर लॉस हो जाएगी क्या, स्मॉल और मीडियम साइज की बाइल डक्ट, ठीक है, और आगे जाके फाइब्रोसिस और सिरोसिस होगा। इसमें फीमेल में 9:9 रेशियो है, 9:1 सिगरेट स्मोकर्स को ज़्यादा होता है। और पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ऑटो इम्यून नॉन हेपेटिक डिसीज़ है, ठीक है, तो जो अदर डिसीजेज होते हैं ऑटो इम्यून के साथ एसोसिएटेड रहेगी। इसका HLA-DR8 के साथ एसोसिएशन रहता है, HLA-DR8 के साथ। इसके बाद क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है किसको, इंटरलोबुलर बाइल डक्ट को, और फाइब्रोसिस कराएगा आगे जाके सिरोसिस। क्लिनिकल फीचर फटीग और जनरलाइज ईच, कॉमन फीचर इसका फटीग और ईचिंग, राइट अपर क्वाड्रेंट में डिस्कम्फर्ट, फीवर, रिगर्स, बोन पेन, फ्रैक्चर्स ये रेयरली होते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस रेयरली है, स्क्रैच मार्क्स मिलेंगे प्रूराइटिस की वजह से, ज़ेंथोमेटस डिपोजिशन भी मिल सकता है। तो इसमें मेन चीज़ है फटीग और ईचिंग, ठीक है, ये कॉमन है। अपर एब्डोमन में डिस्कम्फर्ट, राइट अपर एब्डोमन डिस्कम्फर्ट और फीवर रिगर्स बैक्टीरियल कोलेंजाइटिस में हो सकता है, ठीक है। तो ये फीवर रिगर्स जो होते हैं ना, ये बैक्टीरियल कोलेंजाइटिस में होता है, इसमें नहीं होगा, प्राइमरी बिलियरी में नहीं रहेगा। इसमें मेन चीज़ क्या है, फटीग और जनरलाइज ईच। फिर इसमें एलएफटी कराएंगे जिसमें कोलीस्टेसिस मिलेगा, ठीक है, कोलीस्टेसिस पैटर्न का मिलेगा अपन को, एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट, और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया भी मिल सकता है, ठीक है, जिससे डिसीज़ का प्रोग्रेशन वर्स हो जाएगा। MRCP करा सकते हैं, ठीक है, और एंटी माइट्रोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ मिलेगी। मैनेजमेंट यूरो डीऑक्सीकोलिक एसिड UDCA देते हैं, 13-15 mg पर kg डेली यूरो डीऑक्सीकोलिक एसिड देते हैं। इसके अलावा ओबेटिकोलिक एसिड देते हैं, OCA और UDCA। इसके बाद इसमें प्रोराइटिस अगर हो रही है तो इसमें क्या देते हैं, कोलेस्ट्रामाइन दिया जाता है प्रोराइटिस के लिए। नेलेट्रेक्सोन भी दे सकते हैं, नेलेट्रेक्सोन और रिफाम्पिसिन, नेलेट्रेक्सोन और कोलेस्ट्रामाइन। बोन डिसीज़ है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स देंगे, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सीलिएक डिसीज़ वगैरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फटीग हो रहा है तो इसके लिए, ये क्यों होता है, इंट्रासेरेब्रल चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, तो जब डिप्रेशन हाइपोथायरॉयडिज्म सीलिएक डिसीज़ एक्सक्लूड हो जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। फिर प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस क्या होता है, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस मतलब कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये इम्यून मेडिएटेड डिसीज़ है, ठीक है, इम्यून मेडिएटेड कोलीस्टेटिक लिवर डिसीज़ है जिसमें कि स्ट्रक्चर बनते हैं, मल्टीफोकल स्ट्रक्चर कहाँ पे बनेंगे, लार्ज बाइल डक्ट में, एक्स्ट्रा और इंट्रा हेपेटिक दोनों में, एक्स्ट्रा हो चाहे इंट्रा हो, एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों में स्ट्रक्चर बनते हैं, लार्जर बाइल डक्ट में, एक्स्ट्रा इंट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री में स्ट्रक्चर बनते हैं। ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ के साथ एसोसिएटेड रहती है, मेनली अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, और इसमें जनरलाइज ब्लीडिंग, ये जनरलाइज ब्लीडिंग एंड स्टिनोसिस, मेन तो स्टिनोसिस होता है। अब कोलिडोकोलिथियासिस भी मिलेगा इसमें। इसके बाद सेकेंडरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस जो है, इसमें डक्ट में फाइब्रोसिस मिलेगा,
पैथोफिजियोलॉजी ये है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड रहता है। HLA हेलोटाइप A1 B8 DR3 DRW52A HLA हेलोटाइप A1 B8 DR3 DRW52A। क्लिनिकल फीचर क्या है स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस के? अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ मिलेगा। उसके सिम्टम रहेंगे बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, पोर्टल हाइपरटेंशन, सिरोसिस, फटीग, इंटरमिटेंट जॉइंटिस, वेट लॉस, राइट अपर क्वाड्रेंट में अब्डोमन पेन और प्रूराइटिस। ठीक है, ALP का लेवल बढ़ा रहेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेस का। और इसके बाद कोलेस्टेटिक पैटर्न में लीवर फंक्शन टेस्ट मिलेगा, कोलेस्टेसिस मिल रहा है लीवर फंक्शन टेस्ट में। ALP का लेवल और बिलिरुबिन का लेवल इनिशियली इंक्रीज रहता है लेकिन वे फ्लक्चुएट करता है। एंटी माइक्रो माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी इसमें एब्सेंट रहती है। मेन इसमें बात यह है कि लीवर बायोप्सी कराएंगे तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस का? प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस का ऑनियन स्किन मिलती है। ऑनियन स्किन फाइब्रोसिस एंड इन्फ्लामेशन, तो ऑनियन स्किन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें वेनिसिंग बाइल डक्ट सिंड्रोम भी मिलता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है अगर फाइब्रोसिस स्प्रेड हो गया तो ये बिलियरी सिरोसिस कराएगा, ऑब्लिटरेटिव कोलेंजाइटिस, जिसके बाद वेनिसिंग बाइल डक्ट सिंड्रोम होगा। और इसमें भी ट्रीटमेंट क्या है? UDCA है। इसके बाद कैंसर है तो उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, बायोप्सी कराएंगे, कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिसिन एंटीबायोटिक और सर्जरी करा सकते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस वर्सेस प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, तो जेंडर फीमेल्स में ज़्यादा होता है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस मेन मेल में ज़्यादा होता है। 1:3 है इसमें और इसमें 9:1 है फीमेल टू मेल। एज 50 to 55 बिलियरी कोलेंजाइटिस स्क्लेरोसिंग वाला, यंग मिडिल 20 to 40। इसमें क्या रहेगा? नॉन ऑटोइम्यून रहेगा। इसमें प्राइमरी स्क्लेरोसिंग मेनली ऑटोइम्यून है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। इसमें कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी मिलेगी बिलियरी कोलेंजाइटिस में। स्क्लेरोसिंग में क्या मिलेगा? PANCA, ठीक है, PANCA मिलेगा। और बाइल डक्ट कौन सी इन्वॉल्व होती है? इंट्राहेपेटिक इन्वॉल्व हो तो बिलियरी कोलेंजाइटिस, और अगर एक्स्ट्राहेपेटिक हो ज़्यादा as compared to intrahepatic तो ये है स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस के रिस्क के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? बाइल डक्ट की सर्जरी हुई जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बन गए, बाइल डक्ट के स्टोन, ट्रोमा, इस्थीमिक बाइल डक्ट इंजूरी, कोलिंजियोपैथी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे हैं पैरासाइट्स, ऑटोइम्यून पेनक्रेटाइटिस, ऑटोइम्यून एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम,